अंबाला में देर रात टिम्बर मार्केट में भयंकर आग ने जमकर तांडव मचाया और लकड़ी के एक गोदाम को पूरी तरह खाक कर दिया। बता दें कि छावनी की टिम्बर मार्केट में लगभग 11 बजे लकड़ी के गोदाम में आसपास पड़ोस के लोगों ने आग लगी देखी तो तुरंत दमकल विभाग को फोन कर आग की सूचना दी गई, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां आग लगने के 2 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पा सकी। शहर के बीचों बीच आग लगने की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं लोगों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने के भी आरोप लगाए। बता दें यह भयंकर नजारा अंबाला छावनी की टिम्बर मार्केट का है, जहां देर रात एक लकड़ी के गोदाम में आग ने जमकर कहर बरपाया और देखते ही देखते लकड़ी के पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। लकड़ी के गोदाम में लगी ये आग इस कदर भयानक थी कि आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये आग की लपटें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग किस कदर भड़क चुकी थी, और यही वजह रही कि आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद भी दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां आग पर काबू ना पा सकी। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गोदाम के मालिक की माने तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। गोदाम मालिक ने बताया कि भयंकर आग की वजह से उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, गोदाम मालिक ने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा। ऐसा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हो। एक बार पहले भी केबल की तार जा रही थी, उसमें करंट आने से इस साथ वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन जैसे ही मैसेज मिला हमें, हम सब लोग दौड़कर यहाँ आ गए, लेकिन दूर से देखा आग की जो हालत थी वो पूरे इस फैक्ट्री में लगी हुई थी। और जैसे ही हम आए उसके काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी आई और जितना पानी वो डाल सकती थी उसने डाला, क्योंकि एक ही थी, और उसके 1 घंटे के बाद अब ये गाड़ी आई है। और जहाँ लकड़ी का इतना बड़ा काम और टिम्बर मार्केट हो, और सबसे हैरानगी की बात है न जाने कितनी गाड़ियाँ, लेकिन ड्राइवर एक है, क्योंकि वो बहुत देर के बाद एक गाड़ी दूसरी लेकर आया और ये दूसरी गाड़ी जो खाली होगी थी यहाँ खड़ी रही लगभग 50 या 55 मिनट। आखिर मुझे कहना पड़ा कि मैं अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रक भी रहा, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो एक अब ये गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है आग का, हमारा ये कारखाना तो बिल्कुल जीरो हो गया। देखिए, हमें आगे लगने की सूचना मिली थी, तुरंत सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आपको सारी जानकारी जुटा के बता दी जाएगी। कितनी गाड़ियाँ अभी तक सर निकल के आ चुकी? अभी 7 से 8 गाड़ियाँ आ चुकी है और इतनी गाड़ियाँ और भी आ रही है सिटी कंट्रोल में। नहीं, हमने देखो फायर को कंट्रोल किया था, उन्होंने सारी गाड़ियाँ हमें प्रोवाइड कराई है। कौन गाड़ी कहाँ से ही हो ज़्यादा बेहतर वो बता पाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा एक आरा मिल था और हमारे साथी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही हमारे परिवार के बंदे साथी सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा गुड़ाउन है, यहाँ से लेके पीछे तक प्रॉपर्टी जा रही है और सारे में आग लग गई है। यहाँ पे अभी ऐसा शक है कि बिल्डिंग को भी नुकसान कम्प्लीट हो सकता है। आसपास की बिल्डिंग्स को, बगल में एक मस्जिद थी, पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, ये लगभग 10 फुट 20 फुट की दूरी पर बाकी घर हैं। अभी थैंकफुली थोड़ा बहुत कंटेन हो गया। खबर हरियाणा के लिए अंबाला से पालुलगढ़ की रिपोर्ट।